सिवनी जिले में एक ऐसी जगह जहां 12 महीने प्रकृति करती है भगवान शिव का अभिषेक। सिवनी जिले के लखनादौन अंतर्गत प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर मठ घोघरा के करिए दर्शन। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच हजारों फीट गहरे स्थान में है स्वयंभू स्थापित अद्भुत शिवलिंग। पर्यटक की अपार संभावनाएं, लेकिन जन प्रतिनिधियों ने नहीं की पहल। मठ घोघरा के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। मठ घोघरा में छुपे हुए हैं कई रहस्य। कई फीट ऊपर से गिरता है झरझराता हुआ झरना। पर्यटन क्षेत्र घोषित, लेकिन काम शुरू होने के पहले ही वन विभाग ने लगाया अड़ंगा। जी हां, हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित सिवनी जिले के लखनादौन तहसील मुख्यालय से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित मठ घोघरा शिवालय के। सतपुड़ा की पहाड़ियां, सागौन पलाश के लंबे लंबे पेड़, लंबी बुलाएं इस क्षेत्र को मनोरम बनाती हैं। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयों और उनके बीच से निकलती पगडंडी से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हों। इस स्थान में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मठ घोघरा पर्यटन स्थल बनता है तो न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 4 साल पहले मठ घोघरा पर्यटन स्थल घोषित हो गया है। यहाँ सुविधाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन के साथ 25 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गए थे। कुछ काम होने के बाद वन विभाग ने काम में अड़ंगा लगा दिया। वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण मठ घोघरा अब तक पर्यटन स्थल नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि मठ घोघरा की गुफाएं कई रहस्य समेटे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुफा के अंदर ठंड के समय गर्मी और गर्मी के समय ठंड का एहसास होता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ कितनी भी थकान होने के बाद यदि कुछ पल रुका जाए तो सारी थकान और मानसिक तनाव दूर हो जाता है। पत्थरों में लगे बरगद उमर के पेड़, जिसके पावरे भगवान शंकर की जटा जैसे लगती है। इस स्थल के बीचों बीच स्थित पानी का कुंड, जिसमें स्नान करने से सारी थकावट खत्म हो जाती है और एक नई स्फूर्ति को जन्म देती है। कुंड की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है। इस स्थल का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता के मुताबिक सभी पुराणों में लेख है कि जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था जिसके ऊपर वह हाथ रख देगा और भस्म हो जाएगा, उसके बाद भस्मासुर ने वरदान का प्रयोग सभी पर ही करना चाहा तो भगवान भक्त हुए मठ घोघरा में जाकर विश्राम करने लगे थे। MP24 न्यूज़ के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। मठ घोघरा का नाम सुना था, यहाँ की शिवलिंग की महिमा, यहाँ की महिमा देख के बहुत प्रसन्नता हुई। पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा जो यहाँ पर मुझको देखने में मिला। शंकर भगवान का अभिषेक यहाँ पर 12 महीना होता है। पहली बार आए थे यहाँ पे, देखते तो बहुत अच्छा लगा। इतनी नीची गहराई में होने के बावजूद भी हर चीज़ की, सब कुछ, कोई चीज़ की खतरे नहीं है, हर चीज़ बढ़िया। यहाँ क्या आपको देखने को मिला? यहाँ पे देखने के लिए वही मिला कि अपने को यहाँ पे बहुत पुराने गहरे फीलिंग है। 12 यहाँ पे एक झरने गिरते हैं, झरने से पानी हमेशा 12 आते रहते हैं। सिवनी के सिवनी जिले के लखनऊ तहसील के मठ घोघरा में आई है और पुरातन धनियों की माने तो जो मठ घोघरा स्थान है वो बड़ा ऐतिहासिक और दर्शनीय है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग विराजमान है ये 2300 वर्ष पुराने हैं और अभी अभी हमने यहाँ पे जो यहाँ के जो पुजारी उनसे बात करी तो उन्होंने भी बताया कि पिछले 2-3 सदियों से उनके आधा परदादा जो है बताते चले आए हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो यहाँ स्वयंभू स्थापित है। MP24 न्यूज़ के लिए अश्वनी मिश्रा की।